कौन सा बयान था जो पूरे देश दुनिया में मौलाना सोहराब साहब का चेहरा काफी वायरल हुआ, काफी लोग उसे पसंद करने लगे, वो पहला कौन सा बयान था और कहां से आपका बयान वायरल हुआ था? हाँ, ये तो सीमांचल ही से वायरल हुआ था। हाँ, मुझे याद है कि ज़िला अररिया होगा या पूर्णिया ज़िला होगा, यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं परवान चढ़ा हूँ और यहीं से मेरी वीडियो वायरल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कमोबेश कितने वर्षों से आप मतलब इस बड़े आयोजन में जाते हैं, इस बड़े जलसे में जाते हैं? 15 से 20 साल हो गए। मोहब्बतें कहाँ सबसे ज़्यादा अब तक में आपको मिला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ, चाहे उड़ीसा की सरजमीन हो और चाहे वो बिहार की सरजमीन हो, तो बंगाल हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मोहब्बतें मिलती है। ये अल्लाह का करम है, हर जगह मोहब्बत से नवाजे जाते हैं। आज इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें क्या बताने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं? हाँ, देखिए, अब जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इसमें कुछ मौजू रखेंगे माँ बाप के हवाले से, माँ बाप का सेवा, माँ बाप की खिदमत करना है, और नमाज के हवाले से, जहेज़ के हवाले से, जो एक प्रथा, एक गलत रस्म हमारे समाज में जो चल रही है जहेज़ के हवाले से, जो बहुत ही ख़तरनाक है, इस मौजू पर भी मेरी बात आज यहाँ पर होगी इंशाल्लाह। कभी थकते भी हैं बोलते बोलते, बहुत ज़्यादा परेशान भी? हाँ, कभी कभी इतफाक़न ऐसा होता है कि लोग छोड़ते नहीं, मैं माइक छोड़ना चाहता हूँ लेकिन लोग कहते हैं कि और 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, तो इस तरीके से 2-2 घंटा मेरा बयान कभी कभी हो जाता है, तो थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं खड़े होकर बयान करता हूँ, बैठ के बयान करता नहीं हूँ मैं तो, लेकिन लोगों की मोहब्बत की वजह से बोल देता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है। मैं आपका कई सारा वीडियो देखा, हर वीडियो में कहीं ट्रेन का, कहीं सड़क का, कहीं बूढ़ी माता का, कहीं प्लेन का, आप हर जगह चर्चा करते हैं, तो क्या हम ये समझ लें जहाँ भी आप जाते हैं चीज़ों को बारीकी से देखते हैं और अपनी मंचों पे उन बातों को बयां कर देते हैं? देखिए, ये तो बड़ा अल्लाह करम है, और मेरी नज़रें जो है वो जब मैं कहीं से गुज़रता हूँ तो मैं देखता हूँ कहाँ क्या होता है, चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो, चाहे बस हो, चाहे अपनी गाड़ी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह। और वही कहना है ना कि अगर अमीर आदमी को गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं कि भाई चुप हो जाओ, साहब का बीपी बढ़ गया है। और गरीब को अगर गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं अरे इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो ये बातें हैं, कुछ बातें ऐसे बन जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यादगार बन जाता है। अंत में क्या बोलेंगे बिहार वासियों से, मधेपुरा वासियों से, भिरखी वासियों से, क्या कहना चाहते हैं? भिरखी वासियों से, मधेपुरा वासियों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाईचारगी बनी रहे, आपस में मोहब्बत कायम रहे, और साथ ही साथ अपने दीन पर कायम रहिए, और इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या बोलूँ। आप कोलकाता से आते हैं? हाँ, कोलकाता से। मैं अच्छा वहीं रहना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा घर ही कोलकाता है। पहले बिहार हम रहते थे लेकिन अब कोलकाता शिफ्ट हो गया, 25 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कोलकाता के सरजमीन पर, और ये अल्लाह का करम है कि अपना घर मकान सारे इंतज़ाम अल्लाह ने करवा दिया, मैं वहीं रहता हूँ। 30 दिन भी आप बिजी घर से बाहर ही रहते हैं इस तरह के आयोजन में? हाँ, मेरा प्रोग्राम साल में 12 महीने चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ रमज़ान का महीना, एक महीना मेरा प्रोग्राम नहीं होता है, बाकी 11 महीना मेरा रेगुलर प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह होता है। जो ऑफ सीजन होते हैं जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब महीनों में बीच बीच में प्रोग्राम गैप रहता है, लेकिन अब ये जो सीज़न है, अभी आप देखेंगे कि अक्टूबर का लास्ट महीना चल रहा है, और मैं ईद से, रमज़ान के बाद ईद के ही दिन से मेरा प्रोग्राम शुरू है, और मुसलसल मैं प्रोग्राम में हूँ। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरी तारीखें फुल हो चुकी, मेरी एक भी तारीख खाली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अप्रैल के जलसे मैं ले रहा हूँ, ये अल्लाह करम है, हमेशा बाहर ही रहना, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, थकते नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएँ हैं। चलिए, आप लोगों की दुआएँ हैं, और इस जहाँ भी जाते हैं तो लोग दुआओं से नवाजते हैं, हम लगातार लोगों के बीच जाते हैं, दीन दुनिया इस्लाम धर्म की बातचीत करते हैं, और इसी बात को लेकर बिहार के मधेपुरा पहुंचे हैं कोलकाता बंगाल से मौलाना सोहराब साहब। बाकी बातचीत आपको कैसी लगी, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।